बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही क्विक, इजी और बनने वाली है ये 3 महीने तक आसान, आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। बहुत आसान है इसे बनाना और आपकी नोज झंझट ज़िंदगी आसान। पालक पालक पालक, इतनी सारी पालक को कैसे हम इकट्ठा करें, और थोड़ी सी दाल के लिए हम इतनी सारी पालक तो काट नहीं सकते, तो हमें टेस्ट चेंज करना पड़ता है, डिशेस बनानी पड़ती हैं। तो एक ही दफ़ा बना के रख दें और फ़ायदा उठाएं। बना सकते हैं बहुत सारी डिशेस सिर्फ इस तरह सेव करके। आप चाहें तो 2 मिनट में दाल चेंज कर दें, दाल पालक, 2 मिनट में आलू की मसाले को आलू पालक कर दें, और 2 मिनट में चिकन को आप चिकन पालक कर दें, और 2 मिनट में आप अपने चावल को पालक चावल कर दें। जी हाँ, बहुत ही झटपट बनने वाली है। और 2 मिनट में चने की दाल को चना पालक कर दें। तो आए शुरू करते हैं रेसिपी से मुराद है बनाने का तरीका, कि किस तरह आप सेव कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, 2 गट्टी पालक लेके, चाहें तो आप 8, 10, 12 जितनी भी चाहें पालक इस तरह सेव कर सकते हैं। बहुत ईजी है। जस्ट आपने पालक लेनी है, और जो ख़राब पालक होती हैं पत्ते, वो आपने निकाल देने हैं और कटिंग कर लेनी है। कटिंग कर ली है, उसके बाद आपने इसको अच्छे से वॉश करना है। सी 2 से 3 बार धो लें, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। जब आपने वॉश कर लें, तो बस 1 गट्टी पालक है तो आपने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालना है। 2 गट्टी पालक है तो 2 टेबल स्पून, अगर 10 गट्टी पालक है तो 10 टेबल स्पून आपने कुकिंग ऑयल शामिल करना है, ठीक है। और फिर जो पतीली है, बर्तन है, इसमें डाल देनी है पालक, सारी पालक आपने डाल देनी है, और इसको हल्की आंच में, दम वाली आंच होती है ना जिसमें हम चावल दम पे रखते हैं, बस ढक्कन लगा के रख देना है। बीच में आप चेक कर लें थोड़ा, के आपको मैं दिखाती हूँ 1 से 1.5 घंटे में ये थोड़ी सी हो जाएगी, मतलब इसका जो पानी है ना वो ड्राई हो जाएगा। अब ये देखें, मैंने आपको चेक करने के लिए दिखाया है, इसमें ये जो पालक है वो कम हो रही है और ये जो पानी है वो इसका निकल रहा है। हमने इसको पकाना है, ठीक है। बिल्कुल, ये मैंने ढक्कन ढक दिया। फिर मैंने और भी दूसरे काम करें आप, और करते करते ये आप सेव कर लें इतनी सारी बना कर। ये मैंने आपको सिर्फ छोटी सी एग्जांपल के लिए आपको दी है, ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए, ठीक है। और ये देखें, इस तरह ये ड्राई हो चुकी है, 1 घंटा हो गया था और ये अच्छे से इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो बस आपने इसे उतार लेना है, जो भी जितनी आपकी मिकदार में पालक है उसी साइज़ का आपने बर्तन लेना है, और इसे देखें ये हो गया, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। इसे कर लेना है आपने ठंडा, रूम टेम्परेचर में। जब ये ठंडे हो जाए तो इसको अच्छे से ढक के रख देना है फ्रिज में, ठीक है। अब आप इजी फील ज़िंदगी गुजार सकते हैं, मिनटों में खाने आप चेंज कर सकते हैं अपने। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह जम गया है, ठीक है। बर्तन में, फ्रिज में हम नहीं रखेंगे, क्योंकि क्या होता है बर्तन ज़्यादा जगह घेरता है। तो आप शॉपर ले लें, ठीक है। ये आपने पालक जो है अच्छी बनी हुई, ख़राब नहीं होगी, 3 महीने तक आप इसको सेव कर सकते हैं। इसे आप रख दें, और जब चाहे आपको बनाना हो, निकालना हो, आपने जितनी मिकदार में आपको पालक की ज़रूरत है तो आप इजीली बना सकते हैं। अब हमें दाल के लिए थोड़ी सी 2-3 टेबल स्पून पालक हम चाहिए होती है। तो आपने दाल बनाई और कटिंग किया 2 क्यूब्स की शक्ल में, और दाल में मिक्स करी, और आपकी मज़ेदार 2 मिनटों में दाल से दाल पालक की रेसिपी चेंज हो गई, और मज़ेदार आप चावल बनाएं और सर्व कर सकते हैं। तड़का लगा दें बस आप, वो क्या बात है, हो गई ना तैयार। और फिर रख दिया आपने, फिर कभी दिल किया आपने, आप पालक कौन काटे कौन धोए, इतना मुश्किल होता है, जल्दी बनाना पड़ता है, ख़ासतौर पे जॉब्स करती हैं या घर में जिनके बच्चे होते हैं या बहुत सारे काम होते हैं, उन ख़वातीन के लिए बहुत बेस्ट रेसिपी बताइए। अब आलू की कतलियाँ बना लेते हैं जल्दी से। तो आप चेंज कर सकते हैं, आलू का मसाला बनाया, डाला आपने थोड़ा सा पालक और उसे मिक्स किया। देखें, आलू की कतलियों से आलू पालक मज़ेदार शानदार डिलीशियस सालन तैयार हो गया है। अब अदरक वदरक मिर्चें डाल के सर्व करें और इंजॉय करें। बहुत मज़ेदार यूनिक सी ये रेसिपी, और बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। तो बनाएं, लाइक कीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।